मजेदार चीज बता रही यार। हाँ जी हाँ, सच्ची में मजेदार। आपको पता है दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं? जी हाँ, और वो चार तरह के जो लोग हैं ना, वो कि जरूरी नहीं कि कोई वो आदमी होंगे, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, महिला हो सकती है, कोई भी, हम उन्हें पर्सन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चार तरह के लोगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आपको भी चैलेंज है कि आपको ढूंढना है कि क्या आप उन चारों में से कहीं बैठ रहे हो। चलो चार तरह के लोगों को बता रहा हूँ। नंबर एक, सबसे पहले वाला आदमी कौन से तरह का होता है, देखिए ठीक से। नंबर एक वो लोग होते हैं जो जानते तो है नहीं, पर जानते ही नहीं है कि वो जानते नहीं है। कंफ्यूज। चलो इंग्लिश में बताता हूँ। द पीपल हु डोंट नो बट डोंट नो दैट दे डोंट नो। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज हो रहा है? कोई बात नहीं है, ठीक से समझ लो। ये वो लोग हैं जो खुद तो कोई जानते नहीं है चीज, है ना, लेकिन इतने अक्लमंद, उनकी इतनी अक्ल ज्यादा चलती है कि वो ये भी नहीं जानते कि उनको वो चीज पता नहीं है। सबसे मूर्ख लोग, गेटिंग, जानते तो है नहीं लेकिन ये भी नहीं जानते कि वो जानते नहीं है। सेकेंड, दूसरी कैटेगरी में कौन से लोग होते हैं? दूसरे में वो लोग होते हैं कि वो जानते तो है नहीं लेकिन जानते हैं कि वो नहीं जानते। सेकंड है, द पीपल हु डोंट नो बट एटलीस्ट दे नो दैट दे डोंट नो। ये वो लोग होते हैं दोस्तों कि जो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, उनको पता होता है कि मुझे ये पता नहीं है। ये सेकंड वाली चीज। पहले कौन से लोग? जो जानते नहीं है लेकिन जानते ही नहीं कि वो जानते नहीं। सेकंड कौन सी चीज? जो जानते नहीं लेकिन जानते हैं कि वो जानते नहीं है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, वो वाले लोग जो जानते हैं लेकिन जानते ही नहीं कि वो जानते हैं। सीधा है, दोस पीपल हु नो बट दे डोंट नो दैट दे नो। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में दोस्तों, जो जानते हैं लेकिन उनको ही पता नहीं कि वो जानते हैं ये चीज। अब देखो एग्जाम हॉल में ये चीज बहुत बार देखी जा सकती है कि वो पिछले वाले बच्चों को पूछेगा, अरे वो तीसरे का आंसर क्या है, फिर वो दूर से बताए वो तीसरे का आंसर ये फलाना है। बोल हाँ वो है क्या, वो मैंने रख लिया था कल, ये सही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब उसको किसी ने तो भी उसको याद दिलानी पड़ती है, तब इसको जाके वो चीज याद आ जाएगी। ये रही कैटेगरी नंबर थ्री। करेंगे और फोर्थ कैटेगरी, वो वाले लोग जो जानते हैं और जानते हैं कि वो जानते हैं। दोस्त पीपल नो एंड नो दैट दे नो। सी दैट, ये जो लोग होते हैं ना, ये सबसे ठीक लोग होते हैं, ये सबसे क्लेवर ब्रिलियंट लोग होते हैं, वाइज पीपल होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, जो जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो ठीक से इस चीज को जानते हैं। एक चैंपियन ड्राइवर की तरह होते हुए वे गाड़ी चलाना जानते हैं और उनको ये भी पता होता है कि गाड़ी कैसी चलाई जाती है और एक्सीडेंट ना होने के लिए क्या कैसे रहना चाहिए, किस तरह से गाड़ी को ड्राइविंग करनी चाहिए। दिस इज द साइन ऑफ द चैंपियन पीपल। तो चार तरह के लोग हमने देखे, एक जो जानते तो है नहीं लेकिन ये भी नहीं जानते कि वो जानते नहीं है, दो जो जानते तो है नहीं लेकिन कम से कम इतना जानते हैं कि वो जानते नहीं है, थर्ड जो जानते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो जानते हैं, और चार जो जानते हैं और ये भी जानते हैं ठीक से कि वो इस चीज को जानते हैं, है ना, ठीक है ना। तो अब आप खुद को सोचिए, जब लोग वहां पे देखिए आप कहां पे हो, आप पहली वाली कैटेगरी में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, उसके आगे चल के बताओ आपको एक सीक्रेट क्या, कि हम लोग हमेशा एक कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी में, इसमें से हर रोज छलांग लगाते रहते हैं। कभी कभी हम बहुत बुद्धिमानी कर डालते हैं और कभी कभी तो हम स्टूपिड जैसी हरकतें करते हैं।